सब्सक्राइब कीजिए राधाज किचन चैनल को सभी रेसिपीज की जानकारी के लिए और बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि आपके पास हमारी सभी रेसिपीज की जानकारी सबसे पहले पहुंच पाए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राधा है और राधाज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बथुआ की कढ़ी। यह बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और इसको राजस्थान में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। हरियाणा में भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यह सिर्फ सर्दियों में ही बना जाती है क्योंकि सर्दियों में ही 2-4 महीने बथुआ आता है। यह एक हेल्दी और पौष्टिकता से भरपूर सब्जी है। तो चलो फ्रेंड्स, बनाते हैं बथुआ की कढ़ी। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बथुआ की कढ़ी बनाने की सामग्री इस प्रकार है। 1.5 लीटर मैंने लस्सी ली है, ये घर की लस्सी है। 2 पंच मैंने बथुआ लिया था जिसको मैंने साफ किया, काटा और धोया, तो ये 250 ग्राम रह गया। और थोड़ा सा हरी जो मेथी होती है वो है, उसको मैंने धो लिया और काट लिया। ये थोड़ी सी है, जरा सी है, ज़्यादा नहीं है, इस तरह से जरा सी है, ज़्यादा नहीं लेनी है नहीं तो सब्जी कड़वी हो जाएगी। 1 कप छान के मैंने बेसन ले लिया है, 1/2 चम्मच जीरा है, 1 पिंच हींग है, 1/2 चम्मच हल्दी है, 1/2 चम्मच से थोड़ी सी फालतू लाल मिर्च है। लाल मिर्च मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि कढ़ी में मिर्ची ज़्यादा स्वाद नहीं लगती है, इसलिए हल्की मिर्च डालूंगी मैं। 1 चम्मच भर के धनिया है और 1 टीस्पून ही मेरा पिसा हुआ लहसुन है। अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। 1 गिलास पानी को मैंने बॉयल कर लिया है। अब इस उबलते हुए पानी में मैं ये बथुआ डाल दूंगी और ये मेथी भी मैं इसी में डाल दूंगी और इसमें सिर्फ 1 उबाल आने दूंगी। 1 उबाल आने के बाद मैं इसको ढक दूंगी, इसको ज़्यादा नहीं उबालूंगी क्योंकि इसमें अगर मैं ज़्यादा उबालूंगी तो इसमें सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे, तो इसलिए अब मैं इसको 1 उबाल आने के बाद ढक दूंगी, ढक के और गैस बंद कर दूंगी। अब इसमें उबाल आ चुका है, अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसको 5 मिनट के लिए ढक देती हूँ। ये मैंने ढक दिया और ये गैस मैंने ऑफ कर दी। जब तक मेरे बथुआ को 5 मिनट होते हैं तब तक मैं ये बेसन को इस लस्सी में घोल लेती हूँ। ये मैं बेसन डाल देती हूँ इसमें, आराम से पूरा बेसन डाल दिया। अब मैं इससे इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ। इसको बहुत अच्छी तरह से मुझे इस तरह से डिजॉल्व करना है, अच्छे से रई को घुमाना है जिससे इसमें एक भी लम्स ना हो और ये अच्छे से बिल्कुल स्मूथली घुल जाए पूरा। इसको जितने अच्छे से आप घोलोगे उतनी अच्छी कढ़ी बनेगी। अब मैंने बिल्कुल अच्छे से लस्सी में ये बेसन घोल लिया, देखिए एक भी लम्स नहीं है और बिल्कुल स्मूथली घुल गया ये। अब मैं इस बाउल में सारे मसाले डाल लेती हूँ अपने। ये हींग डाल दी मैंने इसमें, ये लाल मिर्च भी डाल दी, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और ये पिसा हुआ लहसुन, ये भी डाल दिया इसमें। अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया जिससे ये सारे मसाले अच्छे से इसमें भीग जाएं। ये मैंने रख दिया एक साइड में, इसको एक साइड में रख देती हूँ। अब मेरा बथुए को 5 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इस बथुए को पानी में से निकाल लेती हूँ, इस चन्नी में निकाल लूँगी। अब मैंने बथुए को पानी में से निकाल लिया है और इसको एक साइड में रख देती हूँ। अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया है, ये मेरा सरसों का ऑयल है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप और कोई भी रिफाइंड ले सकते हैं, कोई भी जो आप ऑयल खाते हैं वो ले सकते हैं। ये मेरा तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी जीरा, जीरा भुन चुका है। अब मैं इसमें सभी मिक्स किए हुए मसाले डाल दूंगी एक साथ। और इसको इस तरह से हिलाऊंगी और अच्छे से इन सभी मसालों को भून लूंगी। थोड़ा सा पानी डाल के इसको भी पानी मसाले में डाल दूंगी और बहुत ही अच्छे से इसको मसाले को भूनूंगी मैं।
अब देखिए मसाला कितनी अच्छी तरह से भुन गया है और इसमें से आवाज़ आने लगी है और ऑयल भी अलग हो गया है इसका। देखिए कितने अच्छे से मसाला भुन गया है। अब मैं इसमें डालती हूँ जो बथुआ मैंने इसमें, इसको मैंने बिल्कुल भी निचोड़ा नहीं है, ऐसे कैसे ही है, इसमें से पानी नहीं निकाला है। और अब मैं इसमें इस बथुए को अच्छी तरह से भूनूंगी मसाले में। गैस का मीडियम, स्लो मीडियम पर रखूंगी गैस का फ्लेम, ज़्यादा तेज गैस नहीं रखूंगी इसको, मैं अच्छे से भूनूंगी, इसलिए तेज पे जलने का डर रहता है, तो इसलिए मैं इसको स्लो मीडियम पे भूनूंगी। और अगर आप कोई भी कढ़ी बनाएं तो बर्तन का मुंह चौड़ा लें जिससे कढ़ी बड़े आराम से अच्छे से उबले। अब ये भी बहुत अच्छे से भुन गया है बथुआ भी, इसमें से भी ऑयल सेपरेट होने लगा है। अब मैं इसमें डालूंगी लस्सी जिसमें मैंने पहले से ही बेसन मिला के रख लिया है। अब मैं ये आराम से डालूंगी। गैस का फ्लेम हाई कर दूंगी और इसको बिना रुके चलाती रहूंगी, नहीं तो मेरी लस्सी फट जाएगी और मेरी कढ़ी खराब हो जाएगी। तो इसको मैं लगातार इसी तरह हिलाती रहूंगी, बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। आपको पता ही है कि अगर हम कोई गर्म चीज में दही या लस्सी डालते हैं तो उसको फटने का डर रहता है, तो इसलिए इसको लगातार हिलाते रहें और जब तक इसमें उबाल ना आए तब तक इसको हिलाते ही रहें। अब मैं इसमें एक गिलास पानी भी ऐड कर देती हूँ, 300 ग्राम पानी है ये, 300 ml। और अब मैं इसको बॉयल होने तक बिल्कुल हिलाती रहूंगी। अब मेरी कढ़ी में बहुत अच्छे से उबाल आ गया है। फ्रेंड्स मैं नमक दिखाना भूल गई थी, तो मैं नमक डाल देती हूँ इसमें। टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको नमक डालना है, जैसा आपका स्वाद है, मैंने भी इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको पकने देती हूँ और 20 से 25 मिनट तक इसको पकने देती हूँ। अब मैं इसको, जब तक उबाल नहीं आया था तब तक तो मैंने हाई फ्लेम पे इसको हिलाते हुए बनाया और लगातार हिलाती रही मैं। जितना इसको हिलाते हैं उतना ही टेस्टी बनती है, बिल्कुल सिंपल और हेल्दी डिश है ये। और अब मैं इसको गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूंगी, एकदम से लो कर दिया है मैंने। और अब मैं इसको इतना ढक के ही इसको पकाऊंगी। और अब मेरा इसको पकने में 20 से 25 मिनट लगेगा। और इसको इसी तरह से, ज़्यादा पूरा कवर नहीं करते, अगर पूरा कवर कर देंगे तो हमारी कढ़ी उफन के ख़राब हो जाएगी और सारी की सारी सब्ज़ी निकल जाएगी। अब मुझे बस इतना ही कवर करना है और इसको 20 से 25 मिनट तक पकाना है। और अब इसको ज़्यादा हिलाना नहीं है, बीच बीच में बस इसको देख लेना है। अब मैं इसको पकने देती हूँ बिल्कुल स्लो मीडियम पे। अब मेरी कढ़ी को मैं देखती हूँ, अब ये मेरी बिल्कुल पक के तैयार है। इसमें ऑयल ऊपर आ गया और इस तरह से ये रेड रेड गोला सा हो गया है, तो समझो कि ये पक गई है। मैंने 20 से 25 मिनट पे देखा तो इसमें थोड़ी सी कसर थी, कहीं 5 मिनट और पका लेती हूँ। तो अब इसको पूरा आधा घंटा हो गया पकते हुए और ये मेरी कढ़ी बिल्कुल बन के तैयार है। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही टेस्टी कढ़ी बनी है। तो अब मैं इसको, इसमें हरा धनिया मिला देती हूँ। ये हरा धनिया मिला दिया मैंने और अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी आई पसंद आई हो तो आप मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स करें कि आपको ये कैसी लगी, किस तरह से, और कोई कमी हो तो आप मुझे बताएं और मैं दूसरी रेसिपी लेकर आपके सामने दोबारा उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।